इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेट प्राइसिंग ऑन फाइवर, यानी कि स्कोप एंड पैकेजेस में जो प्राइसिंग का ऑप्शन होता है इसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से आपको सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि स्कोप एंड प्राइसिंग, यानी कि फाइवर पर जो स्कोप एंड प्राइसिंग का सेशन होता है इसको आप फुल सुकून से हल कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको सिखाता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हमने खोला हुआ है स्कोप एंड प्राइसिंग। इससे पहले आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात जानने की ज़रूरत है, और वो बात है ये कि जैसी आपकी गिग की कैटेगरी होगी, उसका टाइटल होगा, उसके रिलेटेड आपको जो है ना वो दिखाई जाएगी स्कोप एंड प्राइसिंग का सेशन। तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी गिग की कैटेगरी क्या है। हर कैटेगरी के लिहाज से ये अलग-अलग होता है, तो चलिए सीखते हैं कैसे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम चलते हैं ओवरव्यू में, तो यहाँ पर हमारी गिग की कैटेगरी है प्रोग्रामिंग एंड टेक। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं प्राइसिंग में, तो ये देखें हमें सबसे अलग-अलग चीजें दिखाई जा रही है, फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट, नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर आपकी गिग की कैटेगरी और होगी तो ये हमें और चीजें दिखाएंगी। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक गिग बनाते हैं और इसका टाइटल हमने यहाँ पर मैंने ना पहले रखे हुए, जैसा कि अगर हम डाटा एंट्री की गिग बनाते हैं ना, यहाँ पर मैंने लिखा, तो ये देखे हमें क्या कह रहा है, डाटा एंट्री हमें एक सजेस्ट कर रहा है कि ये आपकी गिग की कैटेगरी, हम इसके ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए मेटा डेटा हमारे और तरीके का आ गया। और अगर हम इसकी चलते हैं ना प्राइसिंग में, तो देखिएगा कि इसकी प्राइसिंग कैसे डिफरेंट होती है। तो यहाँ से अब हम जो ना सर्विस टाइप में कर देते हैं कॉपी पेस्टिंग, और यहाँ पर सर्च टैग भी हम डाटा एंट्री का लगा देते हैं। तो अब हम चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्राइसिंग पर। यहाँ पर बहुत सी चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है। तो चलें सबसे पहले ये जो आपको बटन दिख रहा होगा ना ऑफर पैकेज, जिसको आपने कर लेना अनलॉक। तो ये देखें आपके बन गया तीन पैकेजेस। सबसे पहले इनके नेम देने होते हैं, तो नेम जो है ना वो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर डाल दें। इसके बारे में फाइवर की पॉलिसी कुछ नहीं कहती, जो आपकी मर्जी है नेम की जगह डाल दें। इसके बाद यहाँ पर आप देखें हॉर्स ऑफ राइटिंग आ गया, रिविजन आ गया, प्राइसिंग। तो देखा आपने, अब अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये देखिए इसका कितना डिफरेंट है और इसके कितना डिफरेंट है। तो ये आपने जाना कि ये सब कुछ होता है डिपेंड किससे, कैटेगरी से। तो यहाँ पर आपने लिखनी होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दें, फाइबर कुछ नहीं कहता। यहाँ पर जैसा कि आप देखें रिस्पॉन्सिव डिजाइन हमने लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये हमारी कैटेगरी किसके रिलेटेड है, वर्डप्रेस के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे के डाटा एंट्री हम इस वाले बेसिक पैकेज में कितनी देंगे वो लिखेंगे, स्टैंडर्ड में कितनी देंगे और प्रीमियम में कितनी देंगे। इसके बाद हमने लिखना था डिलीवरी टाइम, जो कि वन डे लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे, इसमें भी वन डे और इसमें लिखेंगे हम थ्री डेज। इसके अलावा कितने घंटे काम करेंगे, हम लिखेंगे एक घंटा, इसमें हम लिखेंगे दो घंटे, और इसमें हम लिखेंगे कि हम करेंगे 10 घंटे काम। ये होता है रिविजन। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने अनलिमिटेड ही रखना है तीनों गिग्स का। इसके अलावा आती है प्राइस। तो फर्स्ट वाले की तो प्राइस आपने $5 ही रखना होगी, लेकिन सेकंड वाले की आप 10 रख लें, 15 रख लें, और इसकी आप रख लें 50 या फिर 30 या फिर 40, जितना आपका दिल करता है। इसके बाद आता है एड एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये चेंज कैसे होता है, तो अब हम चलते हैं बैक पे और आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो आप जैसे जैसे अपनी कैटेगरी को तब्दील करते चले जाएंगे, तो आपकी हर चीज जो है ना वो तब्दील होती चली जाएगी। अब जैसा कि अगर हम टाइटल ही इसका बदल देते हैं, तो आप देखिएगा कि कितना कुछ बदलता। हमने टाइटल ये लिख दिया, अब सबसे पहले क्या बदला, कैटेगरी बदल गई। कैटेगरी के साथ साथ ये चीजें भी बदल गई। अब इनके साथ साथ देखिएगा और क्या क्या चीजें बदलती हैं। तो देखा आपने यहाँ पर कितनी ज्यादा चीजें बदल गई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले पैकेज का नेम बेसिक किया, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और पहले पैकेज में हमने लिखा एक लोगो हम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ दूसरे में हमने लिखा एक लोगो पर्पस दे रहे हैं, और तीसरे में हमने लिखा तीन लोगो। तो इसके रिलेटेड अपने ना सबसे कम वाले बेसिक में बेसिक चीजें देनी है, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड, और प्रीमियम में सबसे ज्यादा चीजें देनी है। यहाँ पर डिलीवरी टाइम अब हम यहाँ से एक दिन, दो दिन, या फिर यहाँ पर तीन दिन, या फिर इसका भी एक दिन ही कर लें, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो। रिविजन में आपको पता है कि हम करते होते हैं अनलिमिटेड सिलेक्ट करना, या आपकी कोई सी भी गिग हो। इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि लोगो हम एक देंगे, इसमें हम दो देंगे, इसमें हम तीन देंगे। तो यहाँ से आपने देखा कितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, क्यों, क्योंकि हमारी कैटेगरी और हो गई है, हर कैटेगरी के लिहाज से अलग होगी। तो अब हम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन, यानी कि लोगों के लिए। तो हम करेंगे लोगो ट्रांसपेरेंसी हम दो में दे देंगे, वेक्टर फाइल हम सिर्फ आखिरी में देंगे, और प्रिंटेबल फाइल भी हम दो में देंगे, मॉकअप भी हम आखिरी में देंगे, सोर्स फाइल भी हम आखिरी में दो में देंगे,
सोर्स फाइल भी बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आपको नहीं पता क्या है तो वीडियो हमने बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर देते हैं सोशल मीडिया किट, ये हम देंगे सिर्फ सिर्फ प्रीमियम में। तो प्रीमियम की प्राइस अब हमने रखनी है भैया जी $50, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। सो इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर हम रखते हैं इसकी 20 और यहाँ पर हम रखते हैं $5, तो देखा आपने हर चीज़ होगी सेट। यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना सोर्स फाइल हम कहते हैं कि हम बेसिक में भी दे देंगे ताकि लोग जो है ना वो ज़्यादातर क्लिक करें। तो यहाँ से भी अगर आप वेक्टर फाइल बनाना चाहते हैं तो ये दोनों कर दें आप। तो यहाँ से जितनी चीज़ें आपका दिल करता है बेसिक में दे दें ताकि लोग आपको ऑर्डर करें। इसके साथ साथ नीचे वाला है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, मतलब आप एक्स्ट्रा सर्विस कैसे देंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज इन योर गिग ऑन फाइवर, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें। इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस पर आपके लिए पूरी वीडियो भी बना दूंगा। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो।